चलिए भोपाल में जुड़वा बच्चों की किडनैपिंग का ही मामला आपको बता रहे हैं, जहां 3 दिन से जुड़वा बच्चे लापता थे। अब जो उनका शव मिला है, हबीबगंज थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला बता रहे हैं आपको, जहां बच्चों का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिछले 3 दिनों से भोपाल पुलिस तलाश कर रही थी इन जुड़वा बच्चों की। बच्चों की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर जांच कर रही है। तो हबीबगंज थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां जुड़वा बच्चों की किडनैपिंग का ही पूरा मामला था। 3 दिन से जुड़वा बच्चे लापता थे, जिनकी मां ने पुलिस थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस जो है जांच में जुट गई थी। और 3 दिन से जो है ये बच्चे लापता थे, जिनका शव जो है अब जाकर मिला है, और बच्चों की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। मौके पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह जो है पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। और बच्चों का शव, और जुड़वा बच्चे थे जो लापता थे 3 दिनों से, बच्चों का शव मिला है। हबीबगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां बच्चों का शव मिला है। तो पिछले 3 दिन से भोपाल पुलिस जो है इन जुड़वा बच्चों की तलाश में जुटी थी, और ये पूरी किडनैपिंग का मामला जिसमें बच्चों की मां ने हत्या का आरोप लगाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। पिछले 3 दिन से जो है बच्चे लापता थे, जुड़वा बच्चे लापता थे। मां की शिकायत पर जो है पुलिस ने जांच पड़ताल की, और अब जो है हबीबगंज थाना क्षेत्र में बच्चों का शव मिला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस जांच पड़ताल में लगी है, और बच्चों की मां का आरोप है कि ये हत्या ही है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जुड़वा बच्चों की किडनैपिंग का पूरा मामला आपको बता रहे हैं। 3 दिन से जो है ये जुड़वा बच्चे लापता थे, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी, और ये तस्वीर आपके सामने हबीबगंज थाना क्षेत्र में जो है बच्चों का, जुड़वा बच्चों का शव मिला है। तो ये जुड़वा बच्चों की किडनैपिंग का मामला भोपाल से इस वक्त की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिछले 3 दिनों से भोपाल पुलिस जो है जुड़वा बच्चों की तलाश कर रही थी, जांच में जुटी थी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ भोपाल से संवाददाता अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई है। अमृतांशी, जुड़वा बच्चे जो है अब हबीबगंज थाना क्षेत्र में मिले हैं, क्या कुछ अपडेट है, और बच्चों की मां का आरोप है कि हत्या ही है? जी देखिए, ये जो पूरा मामला हुआ है, और जो जुड़वा बच्चे थे जो कि 3 दिन से लापता थे, जिनको ढूंढा जा रहा था, आज उनकी लाश जो है हबीबगंज थाना क्षेत्र में मिली है, और पूरी तरीके से बच्चों की जो लाश है वो डीकम्पोज हो चुकी है। देखिए, बच्चों की हत्या का जो शक है वो पूरी तरीके से उनकी माँ पर जा रहा है, क्योंकि जब उनकी माँ से बयान लिए गए थे तो उनके परिवार द्वारा ये बताया जा रहा था कि उनकी माँ को आत्माएँ आती हैं, दौरे आते हैं, और इसी के चलते वो बयान देने की स्थिति में नहीं है। उनकी माँ को जो है झाड़ फूँक करवाने भी लेकर गए थे, लेकिन उसके बाद भी जो है कुछ सही बयान जो है उनकी मां की तरफ से सामने नहीं आया। फिलहाल लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है। फिलहाल मौके पर भी जो पुलिस है वो वहां पर पहुंची है और मामले की जांच कर रही है। हालांकि जो बच्चों की लाश है वो पूरी तरीके से डीकम्पोज हो चुकी है, क्योंकि जब ऐसा जो उनकी माँ है उनके द्वारा बयान दिया गया था कि वो सड़क के किनारे बच्चों को छोड़कर गई थी, और जब वो वॉशरूम से वापस लौटी तो उसके बाद जो है बच्चे गायब हो चुके थे। हालांकि 3 दिन से लगातार दिन रात जो है पुलिस छानबीन कर रही थी, और कई जगहों पर जो है छानबीन की गई, रेलवे स्टेशन पर छानबीन की गई, बस स्टॉप्स पर छानबीन की गई, साथ ही लाल बस जिसमें माँ अपने बच्चों को लेकर निकली थी उसकी भी छानबीन की गई, लेकिन बच्चे नहीं मिले। अब अचानक से बच्चों का हबीबगंज थाना इलाके में मिलना एक और बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा कर रहा है कि आखिर बच्चे वहाँ पहुँचे कैसे। फिलहाल अभी बच्चों की जो बॉडी तो है पूरी जो है डीकम्पोज हो चुकी है, लेकिन क्या कुछ हत्या की वजह रहेगी ये भी निकल कर सामने आना भी बहुत बड़ा एक सवाल बताया जा रहा है कि क्या बच्चों की हत्या की गई है या फिर किसी और चीज़ की वजह से यहाँ पर बच्चों की मौत हुई है, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा हो रहा है। लेकिन पुलिस जो है मौके पर पहुंच चुकी है, हबीबगंज थाना क्षेत्र में जाकर मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस हत्या के पीछे कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे खबरों के अपडेट लेते रहेंगे।